नमस्कार, मारुति मल्टीमीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं दुष्यंत सोनी खंडवा से आपके लिए एक बहुत सुंदर लेसन लेके आया हूँ आज ढोलक में। इसमें आज मैं आपको सिखाऊंगा दादरा बजाना, जो भजनों में या हम कव्वालियों पे दादरा जो बजाते हैं उसमें कौन कौन से और वेरिएशन होते हैं, या हमें अधिकतर जो दादरा बजाना चाहिए किस लहजे से बजाना चाहिए, उसमें कौन सी उठान लग सकती है, उसमें कौन सा बोल लग सकता है, ये हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तो दादरा छः मात्रा जो आप लोग हमेशा बजाते हैं बहुत सारे भजनों में, वो मैं आज आपको स्पेशल एक थोड़ी सी फास्ट लय में बजाना सिखाऊंगा। बेस ठेका ही बताऊंगा, साथ में आगे की जो फास्ट लय होती है वो भी सिखाऊंगा आपको। बहुत से सब्सक्राइबर मुझसे डायरेक्टली जुड़ते हैं, मुझसे घर बैठे तबला ढोलक पखावा सीखते हैं। यदि आप भी सीखना चाहते हैं तो मेरे दिए हुए नंबर पर मुझसे बात कीजिए और मेरी इस ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, जिसमें आप घर बैठे ही तबला ढोलक पखावा सीख पाएंगे। मेरी ये YouTube पे जो वीडियो देख रहे हैं ये एक अलग माध्यम है सीखने का, और जो ऑनलाइन क्लासेस का माध्यम होता है वो एक अलग माध्यम होता है। और यदि आपके क्षेत्र में आपको अच्छी ढोलक तबला पखावा अच्छी क्वालिटी की नहीं मिलती, अच्छी लकड़ी की ढोलक आपको नहीं मिलती, तो आप बेझिझक मुझे बोलिए, मैं आपको अच्छे से अच्छी ढोलक आपको घर बैठे आपको अवेलेबल कराऊँगा, और जो प्रोफेशनल जो बड़े बड़े प्लेयर्स बजाते हैं वैसी ढोलक आपको मिलेगी। तो आते हैं हमारे बोल पर। हमारा जो बोल है वो है दादरा। तो दादरा में आपको एक शुरुआती जो बेसिक ठेका होता है वो बजाना सिखाऊंगा, साथ में उसके बाद आपको मैं एक उठान और एक चलन का बोल कैसे बजाते हैं ये सब चीज़ें मैं आपको आज समझाऊंगा। तो छोटा सा एक वादन करते हैं, फिर उसके बाद आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ मैं। इसमें कुछ मैंने आपको एक्स्ट्रा बोल भी बजा करके बताए हैं आपको मैंने, और कुछ बहुत सारी चीज़ें आपको बताई है, पर हम समझेंगे जो बेस बोल है सबसे पहले उसके साथ जो दादरे का बेस बोल होता है छः मात्रा का, वो मैं पहले आपको सिखाता हूँ कि वो बोल क्या होता है। दादरे का जो बेस ठेका होता है वो होता है धा धी ना धा ती ना। सबसे पहले जो मैंने एक वीडियो चढ़ाया था जिसको मैंने बेसिक बोल के नाम से वीडियो दिया था, उस वीडियो में मैंने आपको सारी उंगलियों का चलन समझाया था कि किससे ना किससे धा किससे ती और बाकी जो बोल बजते हैं वो कैसे बजाए जाते हैं। तो उस वीडियो को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और हम सीखेंगे दादरे का बेस ठेका धा धी ना धा ती ना। कैसे बजेगा? धा धी ना, मतलब धा के लिए ना और खे को बजाएंगे धा, फिर धी के लिए हम ती बोल को बजाएंगे और फिर हम घे को बजाएंगे धी, और ना के लिए फिर हम ना को सिंगल बजाएंगे धा धी ना धा ती ना। इससे पहले हमें छः मात्रा का एक वजन, मतलब एक चलन कैसा होता है वो हमें समझ पड़ेगा यदि हम इसको थोड़ा देर प्रैक्टिस करते हैं धा धीना धा तीना।
अब इसके बाद जो हमारा जो जो दो मुख्य बोल आपको सिखाना चाहता हूँ वो ही सबसे बढ़िया बोल है इसके अंदर। पहली है एक उठान और दूसरा है एक चलन का बोल। तो कैसे बजेगा देखिए। ता तिरकिट धित्ता कैसे बजेगा। ता तिरकिट धित्ता। तो देखिए कैसे बजेगा। ता इट मीन्स लेफ्ट और राइट को एक बार आपको ना या ता को और लेफ्ट की थाप को एक साथ बजाना है। ता तिरकिट। तिरकिट आपको बजाते आता है नहीं आता तो फिर से समझाता हूँ मैं। सेकंड थर्ड फिंगर को पहले रखते हैं फिर फर्स्ट फिंगर को रखते हैं तो ये बजा ती र फिक्की शब्द के लिए हमें लेफ्ट में थाप लेनी पड़ती है की और फिर ट बोल के लिए सेकंड थर्ड फिंगर को हमें बजाना होता है ऐसा। तो ती र की ट ठीक है। तो ता तीर की ट धित्ता। धित्ता इट मीन्स थोड़ा सा आपको तीनों चारों उंगलियों को एक साथ लेके लेफ्ट के घे को बजाना चाहिए धित और ता ठीक है। ता तिरकिट धित्ता। ता तिरकिट धित्ता। ये जो है हमारी उठान है दादरे की। तो इसको धीरे से फिर से एक बार देखते हैं। ता पे थाप लेनी है आपको है ना जो किनार पे बजा रहे हैं हम पहली उंगली से जो ना या ता एक ही बात होती है उसको लेफ्ट की थाप के साथ बजाएंगे। ता तीर कीट धित। धित मतलब आपको दबाना है इससे जो थाप स्टाइल में आपको थाप ज्यादा आगे नहीं लेनी थोड़ा सा अंदर ज्यादा अंदर नहीं थोड़ा सा अंदर यहाँ पे। तो देखिए फिर से ता तीर कीट धित। ता मतलब हमारा ना या ता एक ही बात होती है यदि हम इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे। ता तिरकिट धित्ता। ता तिरकिट धित्ता। ता तिरकिट धित्ता। ता तिरकिट धित्ता। ये थोड़ा सा एक लय में आने के बाद अच्छे से लगेगा आप जो कि ये बोल अधिकतर आपको थोड़ा सा फास्ट लय में बजाने में ही सुंदर लगेगा। फिर से देखिएगा। ता तिरकिट धित्ता ठीक है। तो ये हुआ हमारी उठान। अब हमारा जो बोल है वो कैसा है। धानाति नाधाति बहुत ही छह अक्षर मात्र है छह मात्रा इसको हमको फास्ट बजानी। तो धानाति नाधाति कैसे बजेगा। धा इट मीन्स ना और घे को मिलाएंगे धा फिर ना अकेला और फिर ती। इस ती बोल पर लेफ्ट की थाप लेनी ये एक बात आपको जरूर ध्यान रखनी है। कैसे। धा ना ती फिर ना धा ती। ती बोल सेकंड थर्ड फिंगर ठीक है। इसको नीचे सेकंड पार्ट से बजाते हैं हमारे हैंड के और फर्स्ट फिंगर से जो ना हम बजाते हो किनार पे सराउंडिंग बोल होता है खुला बोल होता है। फिर से देखेंगे। धा ना ती ये थाप के साथ फिर ना धा ती। अब इसी बोल को थोड़ा 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 आपको स्पीड ग्रेजुअली स्पीड बढ़ानी है। जब भी आप रियाज करें बहुत ही धीमे बोल से करें। जब धीमे रियाज करते करते आपका बोल परफेक्ट हो जाए जब आपको ऐसा ना लगे कि हाँ अब कोई गड़बड़ वाली बात है तो आपको फिर थोड़ी सी ग्रेजुअली स्पीड बढ़ानी चाहिए। एकदम शुरुआत में यदि आप स्पीड में ज़्यादा स्पीड बढ़ाएंगे तो ना ही आपसे ताल का वजन संभल पाएगा और ना ही आपके बोल में जो हम एक परफेक्टनेस चाहते हैं वो आ पाएगी। तो फिर से देखेंगे हम। धा ना ती ना धा ती। धा ना ती ना धा ती। तो ये हमारा धीरे 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 रियाज करना चाहिए। धा ना ती ना धा ती। ठीक है। धा ना ती ना धा ती। तो अब इससे थोड़ा सा
स्पीड में बजा के दिखाता हूँ मैं आपको। हमारा आज का बोल था जिसमें मैंने आपको एक उठान बजाना सिखाई और एक चलन का बोल लगाना सिखाया है। दोनों बोल आपको स्लोली डिटेल से मैंने समझाया है, इसे आप आराम से बजाइए, धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए। यदि आपको कुछ तकलीफ जाती है तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा इसमें आपको जवाब देने की। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें, दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ जिन्हें ढोलक बजाना नहीं आती है या फिर जो सीखना चाहते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो ज़रूर नीचे एक रेड बटन होता है, लाल बटन होता है, जो सब्सक्राइब का बटन होता है उसे दबा लेना चाहिए। और साथ ही इसमें एक बेल आइकन आएगा, उसको भी आप दबा लीजिए, तो जितने भी नए वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ सबसे पहले उसको आप देख पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।